तो आज मैं आया हूँ ईश्वरदास आर्ट गैलरी में। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू अभी भिकाणा। एंड आपको लग रहा होगा कि आज का ब्लॉग कहाँ बना रहा है ये, एकदम रास्ते में खड़ा होकर के। तो ये सीन है कि मैं हूँ अभी रानी बाजार। मैं खुद क्या डेली इंट्रो जो है घर से शूट कर करके थोड़ा सा बोर हो गया था, तो मेरे को लगा इंट्रो थोड़ा शूट करना चाहिए मैं मार्केट में आकर के। और अभी चलते हैं फिर से अगेन रिलैक्सो शोरूम, क्योंकि रिलैक्सो शोरूम पे मैं इतनी बार गया हूँ और मतलब जिसकी हद नहीं है कोई। अभी फिर जाऊँगा मैं, क्योंकि जब तक काम नहीं होगा ना मैं रुकेगा नहीं साला, मैं जाता रहूँगा काम होने के बाद। क्योंकि सेल्स में नहीं होता है, अगर आप सेल्स में अगर डीठा नहीं हुआ ना तो फिर वो बेच ही नहीं सकता। बार बार जाऊँगा मैं और जब तक डील क्रैक नहीं होगी तब तक जाता रहूँगा मैं। तो फिर से वही है, मैं आए शोरूम पर और शोरूम पे मैनेजर साहब है नहीं आके रिलैक्स होके। उनको फ़ोन किया तो बोल रहे यार मैं कल आऊँगा, आप कल आना। ठीक है, अगेन वही है, मैं इस डील को क्रैक किए बिना मैं दम लूँगा ही नहीं। कल परसों मेरे को चाहे कितनी बार भी बुलाएं कोई दिक्कत नहीं है। और एक और चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ आपको, देखो मौसम। आप अब बीकानेर में ना वो मतलब फागन लगने के बाद क्या होता है कि आंधी स्टार्ट हो जाती है। अब सीन ऐसा बन गया है, बढ़िया वाली आंधी चल रही है, मट्टी उगने लग गई है। और अब मौसम ऐसे रहेगा, गर्मी रहेगी आंधी रहेगी। बीकानेर में ही मज़े हैं, हमारे यहाँ स्नोफॉल नहीं होती, हमारे यहाँ पे सैंड फॉल होती है, मट्टी की बारिश होती है। चलो ठीक है, मिलते हैं। अब एक स्पेशल लोकेशन है बीकानेर में, एक वहाँ जा रहा हूँ, देखना आपको कैसे लगती है वो। बारात आती है, बारात नहीं, सॉरी बारात नहीं है ये। जंगल वाला फील आ रहा है यहाँ पर आने के बाद में, और इस हवा में आपको मेरी आवाज़ कितनी आ रही है मेरे को ये भी आइडिया नहीं है। हवा कैसे चल रही है ना, और अंदर में आंधी कम लग रही है। तो मैं यहाँ पर आया था और से मिला था डिपार्टमेंट वालों से, बट यहाँ पर एक्चुअली क्या दो तरह से है, पहले पानी सप्लाई होती है वो जाती है नहर में, और ये जो है यहाँ पर वाटर टेस्टिंग होती है, पानी की टेस्टिंग होती है, और यहाँ से जाती है डायरेक्ट हमारे सप्लाई होती है घरों में। तो यहाँ की ये बता नहीं रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि हम शेयर नहीं कर सकते हैं। कोई बात नहीं है, ज़बरदस्ती तो वही है ही नहीं, कभी हम करते ही नहीं है। और यह जो मेन प्लांट है जहाँ पर पानी डायरेक्ट आता है वहाँ पर अंदर परमिशन मिले या नहीं मिले वो तो देखेंगे, बट सबसे पहले जो आपको दिखाता हूँ वो देखिए, ये जो नहर है इसे बोलते हैं इंदिरा गांधी नहर परियोजना, ही है IGNP। तो ये पानी इस पूरा नहर के थ्रू आता है, यहाँ से ये एंट्री हो रही है और ये पानी जाता है यहाँ पर। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर ये जालियाँ लगी है, जो कि जो मोटा मोटा कचरा होता है, प्लास्टिक है, कूड़ा है, तो उन सब को ये रोक देते हैं। गंदी बदबू आ रही है यहाँ पर मेरे को, और उसके बाद में ये जो मेज़र फिल्ट्रेशन है उसके बाद में पानी जाता है आगे, और आगे हम दिखाने की कोशिश करेंगे आपको अगर परमिशन मिली तो। तो अंदर का दिखाने का कोशिश करता है आपको, लेकिन मैं प्रॉब्लम ही अंदर हम घूम कर आ गए हैं, विदाउट परमिशन मैं शूट करूँगा नहीं, और परमिशन देने के लिए बंदा यहाँ पर कोई है नहीं, तो एक समस्या ये भी है। खैर कोई दिक्कत नहीं है, वैसा आप चाहो तो यहाँ पर आके परमिशन लेकर के, सामने रोड है, इस रोड के तुरंत अंदर जा सकते हो, और जस्ट इसके पीछे जो है वो पूरा का पूरा पानी कलेक्ट हो रहता है। यहाँ आना अपराध की श्रेणी में आता है, इसमें मगरमच्छ आती उपलब्ध है, पानी में प्रवेश जोखिम भरा। मगरमच्छ है इसमें, कहाँ लिखा हुआ है? तो यहाँ पर रहना सही नहीं है, निकलना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर आना मना है।
इस वक्त आया हूँ श्री ईश्वरदास आर्ट गैलरी में। पूरे साल में 12 महीने होते हैं और इन 12 महीने में 12 त्यौहार भी होते हैं, जिसमें से एक त्यौहार होता है गणगौर पूजा का। गणगौर माँ पार्वती और भगवान शिव की पूजा का पर्व है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है। वैसे तो इसे देश में अनेक स्थानों पर मनाया जाता है, परंतु राजस्थान में और राजस्थान में भी बीकानेर में इस त्यौहार की रौनक अनोखी देखी जाती है। बड़े लाड से बड़े चाव से इस त्यौहार को मनाया जाता है। मेरे साथ में है सांवर लाल जी। और भाई ये पुस्ते निकाह में दादा जी करते थे पहले ईश्वरदास जी जी, उसके बाद मेरा बड़ा भाई विजय लाल जी कर रहे हैं, उनके साथ ही मैं कर रहा हूँ। ठीक है। और जिस प्रकार गणगौर का रुझान पिछले कुछ 10 सालों से कुछ ज़्यादा ही है, बिल्कुल, तो हम भी कुछ इसमें पूरा परिवार ही लगे हैं। सही बात। हमारे घर की लेडीज भी है, हमारा पूरा परिवार, बच्चे, मेरा बड़ा भाई, मैं, मेरा भतीजा, सारे इसमें ही लगे हुए हैं कारखाने में। मेरे को एक चीज़ पूछनी थी कि देखो वैसे तो जो ईश्वर है, जो भगवान है, वो हर स्वरूप में अच्छे लगते हैं, लेकिन आपकी जो गौर माता देखी मैंने, ईश्वर जी देखे मैंने, उनकी जो कलाकृति है वो बहुत अलग है। वो ऐसा है कि जैसे हम कोरनी का काम करते हैं, कोरनी का काम करते करते गणगौर का काम कर रहे थे मैं, फिर इसमें क्या है कि जैसे बाजार में गणगौर मिलती है वो एक साल में या 6 महीने में टूट जाती है, वो खंडित हो जाती है। तो हम लोगों ने ये सोचा कि जो कोई कस्टमर ले जा रहा है, जो कोई भगत ले जा रहा है, उसको खंडित ना हो, टूटे ना, खंडित मूर्ति किस काम की। बिल्कुल सही बात। इसलिए हमने इसमें बढ़िया से बढ़िया रूप दिया है, मजबूती के लिए बढ़िया से लकड़ी का पेज सब यूज़ किया है। कौन सी लकड़ी आप यूज़ करते हैं? सागवान यूज़ करते हैं। जो सालों साल में कोई कुछ नहीं होता उसमें, हमारे गणगौर 7 पीढ़ी तक तो कुछ नहीं हुआ इसका। 7 पीढ़ी तक? हाँ। क्या बात। मादा पैसो ने रहा मादा डिंडी जाला डा लाधे बोने गली जहे रोहारे मादा पैसो ने रहा घर पे आ गया हूँ मैं, धीरे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पापा सो रहे नीचे।
और मौसम इतना ज़्यादा गंदा रखा है आज। देखो पर्दा वर्दा लगा रखा है घर में, पूरा घर पैक कर रखा है क्योंकि आंधी चल रही है। आंधी में ये सीन होता है ना कि अगर आपका घर खुला है तो फिर मेहनत 10 गुना बढ़ जाती है सफाई करने में। अच्छा लग रहा है मौसम आज, मौसम भाई आज तो बहुत ही गंदा हो रहा है मौसम, है ना। मार्को मुंडे में किरकिर होगी एकदम, बहुत आंधी है आज तो। लाडू तू नहाती है क्या? नहीं भी लग रही है। नहीं तू अल्लाह 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 क्या हो गया सारे, क्या हो चुच्चू को, इसको मत पिचड़नी, इसको पापा को देख के ऐसा लगता है खेल रहा है ना पापा। बड़ी की सब्जी है, दही है, रोटी है, बस तो ठीक है यार। मेरे तो माथे में पूरे मिट्टी मिट्टी होगी। तो अब जाएंगे दूध लेने के लिए और बाबू को झूले खिलाएंगे बाइक पे। इतनी देर तो बोली थी ना पापा को, बोली थी इतनी देर से, क्या करती पीपी चलना है बोली थी, कुछ दे देती मेरे को ये। तो आप पूरे दिन के अंदर इसको एक चक्कर तो जरूरी है ना। खुश हो गई। मैं मम्मी और लाडो जाएंगे दूध लेने के लिए। चलो दूध ज्यादा है इसलिए, लाडो 3 किलो दूध लाते हैं तीन जने। बत्ती बंद। तो खाना खा रहा हूँ मैं और खाना खाने लग गया, फिर याद आया मैंने कहा बताना तो भूल ही गया मैं सबको कि मैं क्या खा रहा हूँ। तो कुछ स्पेशल नहीं है, पापड़ की चूरी है, दाल है, रोटी है और अचार है। आज सब्जी बनाई क्यों नहीं? आज बन नहीं था, आज बन नहीं था, कोई नहीं, दाल रोटी भी अच्छी लगती है मेरे को। तो खाना वाना हो गया था और फिर वापस काम करने लग गया था। एडिटिंग चल रही है अभी। ओ ओ ओ ओ जब भी मैं दिखाना चाहता हूँ लैपटॉप कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। लास्ट टाइम चाय गिर गई थी, अभी कुछ खाने के लिए लाया था वो गिर गया थोड़ा सा। तो मीठा खाने का मन हुआ था, स्नैना ला के दे दी मेरे को मलाई। वैसे भी फेट की कमी नहीं है और मलाई ऐसी चीज़ है ना जो मेरे को बहुत अच्छी लगती है। किस किस को पसंद है मलाई और चीनी बताओ कमेंट बॉक्स में। मैं जहाँ से दूध लाता हूँ ना उसकी मलाई मतलब लाजवाब है एकदम, इतनी मोटी मलाई निकलती है। तो गाइस वीडियो करता हूँ पे एंड, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक टाटा बाय, गुड नाइट। सब्सक्राइब करना मत भूलना, मत भूलना, मत भूलना।